अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर राहिला शेख कुरला हिजामा हाउस से बात कर रही हूँ, कपिंग एक्सपर्ट एंड ट्रेनर एंड यूनानी कंसल्टेंट। आज मैं आपको मिलाने वाली हूँ मेरा से, ये हमारी स्टूडेंट भी है और हमारी मरीज भी, हमारी पेशेंट भी। फर्स्ट टाइम आए थे हमारे पास ये हेयर फॉल के ट्रीटमेंट के लिए। हाँ हुमैरा, आप अभी मुझे ये बताइए कि जब आप पहली बार आए थे तो किस वजह से आए थे? वालेकुम अस्सलाम, मैं आपके पास हेयर फॉल की ट्रीटमेंट के लिए आई थी और मैं पिछले कुछ महीनों से बहुत परेशान थी, बहुत हेयर फॉल हो चुका था। तो इससे पहले मेरे भाई का भी यहीं से ट्रीटमेंट हुआ था, फेस पे एक्ने बहुत आ गए थे, तो उसका रिजल्ट अच्छा था, दो सेशन में वो अच्छा हो गया। तो उसने रिकमेंड किया कि इधर लेडी डॉक्टर भी है तो आप यहाँ जाके आपका इलाज कीजिए। तो मैं भी आई हेयर फॉल के लिए, तो डॉक्टर आहिला से मैंने कंसल्ट किया। तो उन्होंने पहला पूरा शेड्यूल पूछे, रूट कॉज पूछा, इन्हें हर अच्छी तरीके से काउंसलिंग की उन्होंने और फिर इलाज स्टार्ट किए। तो सबसे पहले तो बेसिक किए, क्योंकि जब उनका कहना है कि इलाज करने के लिए रूट कॉज बहुत मेन है, तो उन्होंने मेरा रूट कॉज से इलाज किए। फिर सप्लीमेंट्स दिए थे हेयर फॉल के लिए, तो उससे काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ा था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रिलीफ फील हुआ। फिर उसके बाद सेकेंड सेशन में उन्होंने हेयर की थेरेपी की पूरी, तो उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह 90-95% आराम हो गया उसके बाद। और अभी ये सिर्फ सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, सेकेंड सेशन इनका लास्ट सेशन है, इनका ट्रीटमेंट हो गया मुकम्मल। और ये साइंस ग्रेजुएट है, तो इन्होंने कहा कि मुझे हिजामा सीखना है, मुझे ट्रेनिंग लेना है, तो इनको बेसिक हिजामा की ट्रेनिंग मैं दे चुकी हूँ। दो दिन ट्रेनिंग इन्होंने लिया थ्योरी और दो दिन प्रैक्टिकल। आज ये आपसे अपने लास्ट डे ये शेयर करेंगे कि इनका एक्सपीरियंस पेशेंट के ताल्लुक से कैसा रहा, कौन कौन से केसेस आपको यहाँ देखने मिले चार दिनों में? चार दिन में बहुत सारे पेशेंट आते थे, अलग अलग टाइप के पेशेंट आते थे, तो डॉक्टर उनसे पहले अच्छे से काउंसलिंग करते थे। जैसे कि एक मेरे सामने आया था थायराइड का पेशेंट, तो उनसे पहले रूट कॉज पूछी गई, उनसे काउंसलिंग किया गया और फिर जब उनका ट्रीटमेंट किए तो वो पेशेंट को वही इमिजिएटली उनको रिलैक्स फील हो गया थायराइड पेशेंट को। और जैसा डॉक्टर रिकमेंड करते हैं अपने को कि डाइट फॉलो करना है और डाइट प्रॉफिटिक डाइट होना चाहिए, तो वो रिकमेंड करते हैं हमको, उनको अच्छे से फॉलो करेंगे तो फ़ायदा है। हिजामा इज़ अ सुन्नत, तो जिस तरीके से वो हमने गाइड करते हैं तो बस उसे फॉलो करना चाहिए। फिर सेकेंड माइग्रेन के पेशेंट आए थे, माइग्रेन पेशेंट भी उनको इमिजिएटली रिलैक्स्ड फील हो गया था और उनका मेडिसिन्स ये न उनके यूनानी मेडिसिन्स चालू की गई थी, तो उनसे भी रिलैक्स्ड फील हो गया उनको। फिर वर्टिगो के पेशेंट थे, वर्टिगो का पेशेंट तो रिसेंटली आया था जो एकदम नेगेटिव था, बहुत नेगेटिव रिव्यूज़ ये सब था। फिर जैसे ही उनका सेशन किया गया उनका नेक यहाँ का, तो वो इमिजिएटली उनका रिव्यू एकदम पॉजिटिव हो गया, उनको रिलैक्स्ड फील होने लगा, उनको चक्कर नहीं आई। इतने सारे पेशेंट आए थे डॉक्टर के पास तो उनका पॉजिटिव रिव्यू था, और कुछ लोगों के नेगेटिव रिव्यूज़ भी होते हैं, बट हम नहीं बोल सकते कि नेगेटिव पॉजिटिव, बट हमें हिजामा जो करना है उस पर भरोसा होना चाहिए, बिकॉज ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है ये। तो जब तक हम यकीन नहीं रखेंगे हिजामा पे, जब तक नो क्योर। और डॉक्टर की मेन बात ये है कि उन्होंने ये सिखाया मेरे को कि शिफा देने वाले सिर्फ अल्लाह है, तो हम जो भी करें नियत अच्छी रखो कि अल्लाह आपको शिफा देंगे उनसे। अभी आज ही अपना एक्सपीरियंस शेयर किए, अभी इनको आगे एडवांस हिजामा का कोर्स करना है, जिसमें हम डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, इनफर्टिलिटी के केसेस, ऑर्थोपेडिक, स्किन इश्यूज, पीडियाट्रिक केसेस सब इनको सिखाने वाले हैं। मेन मैं ये कहना चाहूँगी कि इलाज के लिए सबसे मेन डायग्नोसिस है। नंबर टू, हमें पेशेंट से इतना फैमिलियर होना चाहिए कि पेशेंट अपनी सारी बात हमसे शेयर करे, ताकि हमें रूट कॉज मालूम करने में हेल्प मिले। और कंप्लीट ट्रीटमेंट के लिए होलिस्टिक अप्रोच इम्पॉर्टेंट है, कपिंग, यूनानी मेडिसिन, प्रोफेटिक डाइट
एंड स्ट्रेस टेंशन है, तो काउंसलिंग भी बहुत ज़रूरी है पेशेंट की। और अगर पेशेंट बराबर फॉलो कर रहे हैं हमारी बातें तो वो 2 से 3 सेशन इनफ है उनके लिए। सिस्टेमिक डिजीज़ है तो 3 महीना, अदरवाइज 2 से 3 सेशन इनफ है। जजाक अल्लाह।